आप सेल्स कर सकते हैं, आपके बस का है, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप लगते हैं कि आप सेल्स कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता सेल्स। दोस्तों ऐसी बातें हमने बहुत बार सुनी है कि आप सेल्स कर सकते हैं, आपके बस का है, मेरे बस का नहीं है। क्यों आखिर लोग ऐसा बोलते हैं कि सेल्स वो नहीं कर सकते? क्योंकि उनको लगता है सेल्स बहुत मुश्किल काम है, कोई बहुत ही बड़ा टास्क है, एक कन्विंस करना किसी को इतना आसान काम होता नहीं है और सेल करना तो बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं साइंस और आर्ट, सेल्स का साइंस और आर्ट है क्या। अगर आपको साइंस और आर्ट दोनों समझ में आ जाती है तो बिलीव मी आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपको कोई भी सर्विस है या कोई भी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप सेलिंग बहुत अच्छे से पिकअप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ आर्ट होता तो चंद ही लोग कर पाते, क्योंकि ये साइंस भी है इसीलिए इसे कोई भी कर सकता है, इसके प्रोसेस को समझकर, इसके तरीकों को समझकर कोई भी इसको अपना सकता है। बट अच्छी बात यह है कि आप अगर अपने अंदर की आर्ट को, थोड़ी बहुत आर्ट सबके अंदर होती है, अगर आपने उस आर्ट को ग्रूम कर लिया और साइंटिफिक अप्रोच को आपने अपना लिया, दोस्तों रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत जबरदस्त सेल्स के इंडिविजुअल बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेलिंग जो है वो सिर्फ आर्ट नहीं है बल्कि साइंटिफिक आर्ट है, और कुछ लोग कहते हैं कि सेलिंग जो है वो सिर्फ साइंस नहीं है बल्कि आर्टिस्टिक साइंस है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पहले बात करते हैं हम लोग कि ये आर्ट कैसे है। दोस्तों सेलिंग को आर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उनका बहुत बड़ा रोल। इंटरपर्सनल स्किल्स में अगर हम देखना शुरू करें, सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बोलते कैसा है, यानी आपने जो समझा, ऑल्दो सेलिंग की डेफिनेशन है जो इसके बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट जाती है, वो ये कहती है कि सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन, फिर भी 10% तो रोल है ना, तो वो कम्युनिकेट आप कैसे कर पाते हैं, अब ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर है। और यहां पर हम कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ आप बोलते बहुत अच्छे हैं तो आप सेलिंग आसानी से कर सकते हैं, बट बिलीव मी दोस्तों कोई भी अच्छा बोलना सीख सकता है, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है नंबर वन, नंबर टू इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर जो आता है वो है आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी है, आप अपनी बातों को कितना अच्छा मनवा पाते हैं, अपना भाव कैसे रख पाते हैं, अपनी शर्तें, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को कितना जोर दे पाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नेगोशिएशन स्किल्स, यानी सिर्फ सामने वाले की बातों को ना मानना, अपनी बातें भी रखना और उसको एविडेंस या फैक्ट्स के साथ वहां पर मनवा लेना। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है इंटरपर्सनल स्किल में, आप कितने अच्छे स्टोरी टेलर हैं। देखो कहानी वाचक सेल्स के जो लोग होते हैं ना, वो कहानी ऐसी सुनाते हैं जो कहानी दिमाग के अंदर एक इमेज को क्रिएट कर देती है, पिक्चर क्रिएट कर देती है, इसीलिए जो सेल्स के लोग होते हैं वो गुड स्टोरी टेलर होते हैं, वो इमेज क्रिएटर होते हैं, बहुत शानदार पिक्चर क्रिएट कर देते हैं वो लोग। तो कहानी वाचक तो होना पड़ेगा हमें, हमें कहानी सुनाने की जो आर्ट है, हर सेल्स का खिलाड़ी जो है उसको कहानी बहुत अच्छी सुनानी आती है, वो अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस से मिलने वाले फायदों को सीधा सीधा नहीं बताता, वो कहानी के तौर पर सुनाता है और सामने वाले इंडिविजुअल को, वो कहते हैं ओनली स्टोरी सेल्स नथिंग एल्स, कि आपकी स्टोरी अगर अच्छी है तो वो बिल्कुल वहां पर सेल हो जाती है। प्रोडक्ट और सर्विस कभी कभी सेल नहीं होते, बट उससे जुड़ी स्टोरी आप वहां पर जरूर सेल कर पाते हैं। और फोर्थ आपकी इंटरपर्सनल स्किल के अंदर दोस्तों जो आता है उसे हम लोग कहते हैं आपकी क्रिएटिविटी, क्या आप कितना क्रिएटिव है। जब आप अपना प्रोडक्ट या अपना कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई सर्विस लेकर मार्केट में उतरे तो आप कितना क्रिएटिव है इसको सेल करने के लिए, क्या आप रेफरेंसेस वहां पर यूज करते हैं नहीं करते, क्या आप इनोवेटिव आइडिया, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आइडिया वहां पर यूज करते हैं नहीं करते, क्या आप वहां पर एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे यूज करते हैं नहीं करते। जैसे मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था और बहुत बार यूज किया, बहुत इफेक्टिव है, कई लोग यूज करते हैं इसे, सेल्स के लोग उसे यूज करते हैं, जब उन्होंने बताना होता है कि उनकी क्वालिटी कितनी हाई है तो वो बोलते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस मार्केट में अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो इट इज अ रॉयल सॉइल, बट जब वहीं पर उन्होंने प्राइस की बात करनी होती है तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं सर अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो इट इज रॉयल्स रॉयल ऑफ द इंडस्ट्री, और अगर प्राइस की बात करते हैं तो इट इज मैकडोनाल्ड ऑफ द इंडस्ट्री, यानी जैसे मैकडोनाल्ड का सस्ता बर्गर आता है तो हमारा प्राइस उतना सस्ता है बट क्वालिटी रॉयल्स रॉयल जैसी है। तो यहां पर कंपैरिजन बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल सेल्स के लोग एग्जाम्पल्स बहुत देते हैं, अगर आप सेल्स में आपको अपनी बात समझाने के लिए एग्जाम्पल्स की तैयारी आप करते हैं वो क्रिएटिविटी है, वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस फील्ड से, किस डोमेन से क्या एग्जाम्पल ढूंढ कर लाते हैं और अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ फिट करते हैं और सामने वाले को वो मानने पर मजबूर हो जाते हैं, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या,
मैं एक बुक के अंदर पढ़ रहा था कि एक सेल्स पर्सन था, वो मिरर ग्लासेस सेल किया करता था और वो अनब्रेकेबल ग्लासेस थे। तो सामने वाले के ऑफिस में जाता था, एक्सप्लेन करता था वहां पर कि सर ये ग्लासेस जो है अनब्रेकेबल है, ये टूटते नहीं है इतनी आसानी से। तो सामने वाला खरीदता नहीं था उसको। अब ये उसको रिजेक्शंस बहुत सारी मिलने लग गई क्योंकि लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं आता था। तो फिर उसने एक एग्जांपल वहां पे क्रिएट किया, उसने एक यूनिक तरीका ढूंढ कर लाया। उसने एक छोटी सी हैमर, छोटी सी हथौड़ी अपने बैग में हमेशा रखता था, सामने वाले के पास जाता था, कहता था सर आप अपने ऑफिस में ग्लासेस लगवा सकते हैं, बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, ये टूटते नहीं है। तो सामने वाले को जब विश्वास नहीं आता था कि नहीं तुम ऐसे ही बोल रहे हो, टूट जाते हैं ग्लासेस, तो वो तुरंत छोटी सी हैमर मारता था और जोर से मारता था उस ग्लास के ऊपर, और सामने वाला जो ओनर होता था वो डर जाता था, बट वो देखता था कि ग्लास टूटा नहीं और इमीडिएटली बाय कर लेता था। तो दोस्तों ये आपने एग्जांपल जरूर यहाँ पर कंपेयर किया होगा, जब आप घर के लिए टाइल्स खरीदने जाते हैं, टाइल्स में भी ऐसा होता है, वो बोलता आप पूछते हैं सर भैया टाइल्स टूटेंगी तो नहीं, वो आपके सामने टाइल्स फेंक देता है जमीन पर और आप एकदम से हके बके रहते अरे तो टूट जाएगी, वो टाइल्स टूटते ही नहीं है वहां पर, और यही उनकी सेलिंग पिच होती है। वो लोग ऐसे क्रिएटिव आइडियाज ढूंढ कर लाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी जो है, अब मैंने यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल्स में चार बातें आपको बताई हैं, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एक आपकी नेगोशिएशन स्किल, एक आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल और फोर्थ आपकी क्रिएटिविटी। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ भी, कोई रेफरेंस कैसे यूज करना है, कोई एग्जांपल कैसे देना है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं टेक्स्ट बुक के तरीके से ही आपने सेल्स करनी है। और अच्छी बात यह है कि ये चारों बातें जो है आठ की, ये चारों बातें जो इंटरपर्सनल स्किल्स की है दोस्तों, द गुड पॉइंट इज ये चारों बातें सीखी जा सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो ये ऊपर से सीख कर पैदा हुआ था। विद द टाइम सब लोगों ने इसको डेवलप किया। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं चारों तरफ और उन प्रॉप्स को, उन सिचुएशंस को, एग्जांपल्स को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सेल करने के लिए वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब बात करते हैं कि सेलिंग जो है साइंस कैसे है। दोस्तों पहली बात तो ये समझते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस का मतलब होता है कि जब भी कोई काम किया जाए और उससे एक निर्धारित रिजल्ट आता है और उस काम को बार बार करने पर अगर वही रिजल्ट, डेफिनेट रिजल्ट बार बार आता है, विच मीन्स वो फॉर्मूला जो है वो साइंटिफिक फॉर्मूला है, दिस इज साइंस, ये विज्ञान है कि आप यहां पर ये काम बार बार करेंगे तो यही निर्धारित रिजल्ट आएगा। तो सेलिंग में भी एक प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं सेल्स प्रोसेस। रिगार्डलेस आप क्या प्रोडक्ट क्या सर्विस लेकर मार्केट में उतरे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको जरूर सिखाती होगी कि एक सेल्स प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करें। सेल्स प्रोसेस के 7 स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1 यहां पर आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं वहां पर कि एक टारगेटेड ऑडियंस मार्केट कौन सी है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सूट करेगी। देन अप्रोचिंग, आप अप्रोच के यूनिक क्रिएटिव आइडियाज। देखो अब मैंने क्या कहा था, आर्टिस्टिक साइंस, यानी कि साइंस के स्टेप्स तो है बट आर्ट आपकी है यहां पर कि कितने अच्छे से आपने उसको निभाना है, कैसे क्रिएटिव होकर निभाना है वो आपके ऊपर है। तो अप्रोचिंग में आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। देन अप्रोचिंग के बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं नीड एनालिसिस, नीड आइडेंटिफिकेशन, नीड जिसे भी ढूंढनी आ गई। दोस्तों सेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, अगर अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की अगर नीड ढूंढनी आ गई, समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट वहीं पर सेल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है नीड को ढूंढना। सो नीड आइडेंटिफिकेशन, देन प्रेजेंटेशन, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं वहां पर, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, एंड देन सातवां आखिरी पॉइंट आता है रेफरेंस बिल्डिंग, रेफरेंस मांगते हैं वहां पर। तो 7 पॉइंट्स है, ये पूरे 7 के 7 जो पॉइंट्स हैं ये आपके एक प्रोसेस के अंदर आते हैं, और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप एवरेज भी हैं, आप लेसर टैलेंटेड भी हैं, बट अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स के सुपरस्टार बन सकते हैं और धीरे धीरे आर्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। और साइंटिफिक क्यों है, इसका दूसरा रीजन है जिसे हम लोग कहते हैं डेटा एनालिसिस। आज बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे सर्विसेज जब मार्केट में लॉन्च होती हैं तो पहले वो डेटा को स्टडी करती हैं, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है, कस्टमर का रिजेक्शन पैटर्न क्या है। तो वो सारे डेटा को पढ़ते हैं कि कस्टमर की ग्रीवियंसेस किस किस प्रोडक्ट में आते हैं, किस किस सर्विस में आते हैं। तो आज डेटा जो है ये भी साइंस का एक पार्ट है। डेटा को पढ़ के, उस एनालिसिस को पढ़ के, मार्केट ट्रेंड को समझकर प्रोडक्ट को ऑल्टर किया जाता है, बड़ा किया जाता है, छोटा किया जाता है, सेलिंग की अप्रोच को बड़ा किया जाता है, छोटा किया जाता है, वो डेटा एनालिसिस बेस्ड है। और तीसरा पॉइंट यहां पर आता है साइंस के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अगेन ये भी एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं कि सेलिंग इज साइंस ऑल्सो, कि लॉ ऑफ एवरेज। 90% जो सेल्स के लोग हैं वो लॉ ऑफ एवरेज को समझते हैं उसके बावजूद भी इग्नोर कर देते हैं। लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं कि अगर आप 10 लोगों को दिखाते हैं अपना प्रोडक्ट
तो कुछ लोग खरीदेंगे कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, पर आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, बट उसके लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना जरूरी है। सपोजिटली अगर आपके 10 में से 3 लोग परचेस करते हैं, 10 में से 4 लोग परचेस करते हैं आपका प्रोडक्ट, तो हम ये सोचकर अगर बैठते हैं यहां पर कि वो पहले 4 ही 4 लोग होंगे, तो यानी आप लॉ ऑफ एवरेज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आप उस रेशियो को तो ऑनर करें, उस रेशियो की रिस्पेक्ट तो करें कि पहले मैं 10 लोगों को अप्रोच तो करूं और फिर जाकर मैं कलेक्टिव डेटा निकालता हूं और देखता हूं कि एवरेज आउट क्या मेरा निकल कर आता है। तो साइंस कैसे है, मैंने 3 बातें यहां पर बताई। सबसे पहले प्रोसेस आता है। आप जहां भी अगर आप सेल्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप देखिए कि प्रोसेस का कौन सा पार्ट है जो आप नहीं कर रहे हैं, उस पार्ट को फोकस करके इंप्रूव करिए और बढ़ाइए, और आप देखिए आपकी सेल्स वहां पर इंप्रूव हो जाती है। दूसरा, डेटा को स्टडी करना शुरू करिए। पिछले आपके लोगों ने, आपके प्रोस्पेक्ट्स ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, आप उन डेटा को इकट्ठा करिए, उनके रिजेक्शन को इकट्ठा करिए और उन रिजेक्शन से लर्निंग लें, इंप्रूव करें अपने आप को। कौन सा जवाब था जो आपको देना नहीं आता, क्या अच्छे से डेमो नहीं दिखाया, अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करी, नेगोशिएशन नहीं कर पाए, क्लोजिंग नहीं कर पाए, क्या था जो आप नहीं कर पाए वहां पर, और वो कब पता लगता है आपको, जब आपके हाथ में डेटा होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जिसे हमने कहा लॉ ऑफ एवरेज, दुनिया का कितना भी महान सेल्स का इंडिविजुअल हो, वो लॉ ऑफ एवरेज को बीट नहीं कर सकता। लॉ ऑफ एवरेज सबके लिए काम करता है। सो दोस्तों, कोई भी, मैं तो हमेशा ऐसा बोलता हूं कि एनीबॉडी कैन सेल। आप कोई भी हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में उतरे, किसी भी सर्विस को लेकर उतरे, आप लेसर टैलेंटेड हैं, एवरेज हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप इंप्रूव होने के लिए तैयार हैं, आप लर्निंग के लिए हमेशा ओपन हैं, तो बिलीव मी, सेलिंग इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट दिस प्रोफेशन इज फॉर यू। आप ही के लिए है, बट तब है जब आप इंप्रूव होने के लिए रेडी हैं, तो आर्ट भी इंप्रूव होगी और साइंस भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपका बैंक बैलेंस भी इंप्रूव होगा। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही मुझे सराहना देते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करिए, शेयर करिए सेल्स के सभी लोगों के साथ, शायद उनको मदद मिले और अपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट का लेवल वो लोग ढूंढ कर लें। कभी भी यहां पर लर्निंग जो है रुकती नहीं है, और इसी उद्देश्य से ये सेल्स का चैनल जो है बनता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।